हाँ जी अगर बच्चे नहीं करते पूछा पहले अगर बच्चे नहीं करते हैं कौन नहीं करते हैं पूछा ना अगर बच्चे नहीं करते हैं तो किसको ऑर्डर करें तुम्हारी अम्माओं को ऑर्डर करें बच्चे नहीं करते हैं तो प्रकृति माता और माया मौसी कही जाती है है तो माता समान ना पहले बेटी थी जब उसकी नियत खराब हो गई तो क्या हो गई हाँ जी और रोहिणी को पसंद करता है हाँ तो रोहिणी माया का रूप है वो रोहिणी माया का रूप है तो कौन रोहिणी कौन रोहिणी कौन रोहिणी कौन है रोहिणी वो है जो अपनी बहनों को छोड़ती है बहनों के साथ न चल करके अकेली चंद्रमा का साथ देती है क्या ऐसे हैं तो सब नक्षत्र कन्याएं हैं तो उसे अड़ जाना चाहिए कि चंद्रमा को सभी को बराबर प्यार देना चाहिए बाप की भी ऐसी ही आस है लेकिन ऐसा होता नहीं है हाँ जिंदा है सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है बीज रूप बनता है कि नहीं बनता है और सूक्ष्म शरीर से सजा खाई जाती है क्या मुरली में बोला है स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा ऐसे नहीं सूक्ष्म शरीर से सजा खत्म हो जाएगी तो जहाँ ब्रह्मा की बात आती है वहां समझ लेना चाहिए कि जो पहला मणका है कौन बाप उसमें प्रवेश होकर के वो निराकारी चीज को प्राप्त करता है तो युगल मणके बन जाते हैं इसलिए सजा खाने की बात ही नहीं रहती पत्नी करनी एक नहीं होती हाँ तो बता रहे कथनी करनी एक नहीं होती है ये नहीं उपवास है एक करेंगे तो उठेंगे
आजकल अयप्पा दीक्षा, भवानी दीक्षा, हनुमान दीक्षा, दत्तात्रेय दीक्षा, शिव दीक्षा, अम्मा भगवान दीक्षा, ये चल रहा है। तो इसमें बेहद का राज क्या है? दीक्षा गुरु से ली जाती है या कोई और से ली जाती है? गुरु से दीक्षा ली जाती है। अब कोई एक गुरु बनाने वाला होता है और कोई अनेक गुरु बनाता है। तो आया तो भगवान एक है, एक से दीक्षा नहीं लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं तो क्या करेंगे? हैं? त्रेसठ जन्मों के अनुसार जिसका जिसका जहां जहां जुड़ा होगा बुद्धि का योग, वहीं जाके दीक्षा लेगा। बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी ना है, तो दीक्षाएं चल रही है। और ब्राह्मणों के परिवार में भी अलग अलग दीक्षाएं चल रही है कि नहीं चल रही है? हैं? हैदराबाद में कौन सी दीक्षा प्रसिद्ध है? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में हैदराबाद के अंदर कौन सी दीक्षा प्रसिद्ध है? अरे हैदराबादी गुरु का भी कोई नाम होगा कि नहीं होगा? भूल गए? हैं? दत्तात्रेय का नाम ही भूल गए? हैं? दत्तात्रेय दीक्षा चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही है? चल रही है? और वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है तोड़फोड़। अंग्रेजों की प्रवृत्ति क्या रही है? डिवाइड एंड रूल। तो राज्य किसका चल रहा है अभी? है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी कौन से खून से है? है किचन खून से है ना। तो जिस खून से है वो खून अपना प्रभाव दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? है दिखाएगा? तो दो हिस्से हो जाएंगे तो डिवाइड एंड रूल। हिंदुस्तान पाकिस्तान को दो खंड कर दो, लड़ाई लड़ाते रहो, राजी करते रहो। अच्छा इकट्ठे सिर जमने लगे। कन्या परमेश्वरी फोटो में माता के पीठ में एक झाड़ू दिखाते हैं, झाड़ू में वन्ना के एक गोत्र 108 गोत्र दिखाते हैं, उसका वेद में क्या क्या अर्थ होगा? कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगाया जाता है? झाड़ू नहीं बाबा, क्या बात है? जैसे वो झाड़ है वैसे बाबा ने झाड़ बता दिया, उस झाड़ में भी 108 दिखाए हैं। तो यहाँ भी मुखिया कौन है, कितने हैं? राज्य करने वाले, कंट्रोल करने वाले 108 ही है। लेकिन
कुंभकर्ण का अर्थ क्या है? कुंभ माने बुद्ध रूपी घड़ा, क्या कुंभ माने बुद्ध रूपी घड़ा और उसमें कर्ण, कर्ण माने कान, तो जो बुद्ध रूपी घड़ा है कुंभकर्ण बाबा किसको बताते हैं? सन्यासियों को। वो सन्यासी सुनने सुनाने का काम बहुत करते हैं, माने कौन से अंग का काम ज्यादा करते हैं? कान का। तो उन दोनों को मिलाकर के उनका नाम रख दिया है कुंभकर्ण। ये बुद्ध रूपी खोपड़ा भी उनका खूब चलता है। यह है कुंभ, ज्ञान कुंभ, ज्ञान कलश, और सुनने सुनाने का काम कर्ण का। तो उनको नाम रख दिया है कुंभकर्ण। और 6 महीने सोते हैं। 6 महीने सोने का मतलब है ज्यादातर सोते ही रहते हैं। द्वापर कलयुग में तो अज्ञान की नींद सोते ही हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में भी उनका सोना ही होता है, क्योंकि वास्तव में सतयुग त्रेता की भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में। तो संगम में जब भगवान आकर के ज्ञान देते हैं उस समय भी सोते हैं, तो उसका रिजल्ट है जो अव्वल नंबर है पीढ़ी में जाना चाहिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पीढ़ी में जाना चाहिए, वहां नहीं जा पाते हैं, गिरती कला में जाकर के गिरते हैं। तो सतयुग त्रेता में भी उनका सोना है, द्वापर कलयुग में भी सोना है। हाँ, एक बात कही है, वो मुरली में भी है कि जब ये कुंभकर्ण जागेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो संगम युग में थोड़े समय के लिए ये जब जागते हैं तो हम ब्राह्मण बच्चों की विजय हो जाती है। कलयुग के कुछ के अंत में जो आत्माएं आती है, शुद्ध वर्ण में भी और वैश्य वर्ण में भी और क्षत्रिय वर्ण में भी देवता वर्ण में भी जो भी आज में आते हैं वो फिर अंत में आते हैं। तो शुद्ध वर्ण में भी 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं में से जो फर्स्ट में आने वाले हैं वो ही लास्ट में आकर के सारे कार्य संपन्न कर देते हैं, क्योंकि बाद में आने वाली आत्माओं में या बीच में आने वाली आत्माओं में उतनी दम नहीं होती है। शूद्रों में फर्स्ट नंबर शूद्र कौन? वो भूल गए आप, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कौन है फर्स्ट है? अरे जो पहला ब्राह्मण है तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, पहला वैश्य, पहला शूद्र। तो जो पहला शूद्र है
वो कलयुग के अंत में भी 100% शूद्र बन के दिखाएगा कि कोई दूसरा दिखाएगा, है वो ही करके दिखाएगा। इसलिए लास्ट तो शूद्र में भी फास्ट। क्या है इसका, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी ब्रह्मा को मानने से और जानने से ब्राह्मण होगा? नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तब होगा जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने। ब्रह्मा को माने तो नहीं, ब्रह्मा को ब्रह्मा कुमारियां मानती हैं, लेकिन मुख से निकली हुई बात को नहीं मानती है, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का गोत्र ये है कि जैसी धरणी होती है बीज वैसा ही फलित होता है। ब्रह्मा रूपी माता के अंदर बीज तो एक का ही पड़ा है। शिव बाप ने प्रजापिता के द्वारा जो बीज डाला है ज्ञान का, बीज एक ही है, लेकिन ब्रह्मा की गोद में पेट में बुद्धि रूपी पेट में प्यार लेने वाले जो बच्चे हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं। इसलिए जैसी जैसी बुद्धि रूपी धरणी वैसा वैसा वो गोत्र बन जाता है। एक ही बीज होता है और धरणी अनेक प्रकार की होती है, तो बीज अनेक प्रकार का बन जाता है। वही आलू नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है, वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है, क्या फर्क हो जाता है? कुछ फर्क होता है, गैस बन जाती है तो अंतर पड़ जाता है धरणी के अनुसार। गोत्र का नाम क्या है? नौ गोत्र हैं, एक गोत्र नहीं है। एक गोत्र नहीं है, जैसा जैसा काम करेंगे वैसा वैसा गोत्र बन जाएगा। अरे नौ ऋषि हुए हैं, उन नौ ऋषियों ने जो संतान पैदा किए हैं उनके आधार पर, उनके खून के आधार पर, यहाँ संकल्पों का खून, उन संकल्पों के खून के आधार पर नौ गोत्र बन जाते हैं। यहाँ ब्राह्मण है सभी, लेकिन कोई ब्राह्मण है सत्युग में पहले जन्म में जाकर के ब्राह्मण बनेंगे, वो देवता बनेंगे, कोई पहले जन्म के देवता नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म के देवता बनेंगे, उनकी कला चौथाई कम हो जाएगी, कोई तीसरे जन्म के बनेंगे। तो जैसे जैसे नीची उतरती कला में जाके जन्म लेंगे वैसे वैसे उनके कंट्रोलर जो नारायण हैं वो कमजोर कला के बनते जाएंगे, वो कमजोरी द्वापर युग से सामने आ जाएगी। कोई किस धर्म में कन्वर्ट होंगे, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होंगे, कोई में इस्लामी प्रवेश करेगा, कोई में बौद्धी प्रवेश करेगा, कोई नारायण में क्राइस्ट प्रवेश कर जाएगा। तो नौ प्रकार के जो धर्म पिताएं हैं वो नौ नारायण बनने वाली आत्माओं में जो देव आत्माएं बनती हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो दुनिया में जो ब्राह्मणों के नौ गोत्र गाए गए हैं वो इस समय फाउंडेशन पड़ रहा है।
चंद्रवंशी असली तो ये नाम है, बाकी तो गुरुओं ने नाम दे दिए हैं। भारद्वाज गोत्र ये नाम दिए ना, सांडिल्य गोत्र है, और ऋषियों के नाम से उन्होंने नाम दे दिए। संस्कृत भाषा जब बनाई गई तो भाषा को सुधारने के आधार पर उन्होंने नाम दे दिए, ताकि कोई दूसरा अर्थ न निकले। उसमें भी यहाँ अर्थ बनता है। और चंद्रमा ये सब पत्थर के बने हैं, तो इसके ऊपर कैसे जा सकते हैं? फिर ये तो हमेशा घूमते रहते हैं। पत्थर हो, मिट्टी हो, ये एक दूसरे के आकर्षण पर रहते हैं कि बिना आकर्षण के रहते हैं? और ऊपर नीचे क्या है? ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये तो आकर्षण के आधार पर एक दूसरे से घूमते रहते हैं, चक्र चलता रहता है। और जब वो चक्र बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं बैलेंस का विस्फोट होता है। वो विस्फोट यहाँ इंडिया में, वो यहाँ क्या पृथ्वी के ऊपर होता है। एटम के विस्फोट होने के कारण पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और पृथ्वी से बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते नौ ग्रहों में बिगड़ जाते हैं। अध्यक्ष मुरली नहीं कहेंगे, प्रश्न है कोई कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा है, और कोई उनके विष्णु समान संस्कार है, कोई की जन्मपत्नी ने आदमी से अंत साधना के निमित्त जन्मने के संस्कार है, आदमी से अंत तक साधना के निमित्त बनने के संस्कार है, साधना स्थापना के संस्कार, और कोई कोई के पालन के संस्कार है, हाँ, इसका रहस्य क्या? वो एक ही बात हो रही, पालना के संस्कार माने विष्णु के संस्कार, स्थापना के संस्कार माने ब्रह्मा के संस्कार। जिसने जिसको फॉलो किया है वैसे ही संस्कार आएंगे। कोई ने ब्रह्मा को बाद फॉलो किया, ब्रह्मा की बात ज्यादा ऊपर रखी, ब्रह्मा की ही सदैव महिमा की है, तो जो जिस वंश का होता है वो अपने वंश को ऊंचा उठाता है, तो स्थापना के संस्कार उसमें ऑटोमेटिक होंगे ही। कोई आत्माएं हैं स्थापना के संस्कार के साथ साथ पालना के भी संस्कार, जैसे वैसे भी शक्ति वो ब्रह्मा को भी फॉलो किया कर रही है, अभी भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना में सहयोगी है, लेकिन जब एडवांस ज्ञान मिल जाएगा तो बैलेंस बन जाएगा। स्थापना होने के साथ साथ पालना का कार्य भी करेगी, ब्रह्मा पालना का कार्य नहीं कर सके। ब्राह्मण धर्म की स्थापना होने के बाद उनका कार्य समाप्त हो गया, तो अब जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं वो ब्रह्मा के संस्कार धारण करते हैं, भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी कहे जाते हैं। जो विष्णु को फॉलो करने वाले हैं वो भक्ति मार्ग में वैष्णव संप्रदाय कहे जाते हैं, शिव को फॉलो करने वाले शैव। तो इन तीनों प्रकार के संस्कार हैं, जो जिसको फॉलो करता है
जो जिसको मान्यता देता है वैसे वैसे संस्कार उसमें समा जाते। हाँ जी माया जगदम्बा से दूसरी के हाथ मिलाई थी माया जगदम्बा से दूसरी के हाथ मिलाई थी तो किसी शरीर में प्रवेश करके हाथ मिलाते क्यों जगदम्बा जिंदा नहीं है क्या मर गई क्या अरे जगदम्बा भी तो जिंदा है नहीं है है? हाँ और माया आधार मूर्त में शरीर छोड़ गई तो क्या बीज रूप में भी शरीर छोड़ गई है बीज रूप आत्माओं में ऐसी आत्माएं नहीं है माया के ग्रुप की तो जो उसके ग्रुप की आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करके हाथ मिलाती हाथ मिलाना माने बुद्धि रूपी हाथ मिलाना जैसा कहो वैसा ही करेंगे। अच्छा सेंटर छोड़ दें छोड़ देंगे अच्छा क्या करें शादी कर लें ना ना शादी नहीं करो अभी रुको तेल देखो तेल की धार देखो अच्छा ऐसा ही करेंगे तो बुद्ध रूपी हाथ मिला कि नहीं मिला जैन गुरु ने शटिंग कीर्तन कर जैन धर्म में शटिंग कीर्तन कर विमलानाथ स्वामी शटिंग कीर्तन कर विमलनाथ स्वामी राम बाप का कुछ संबंध है क्या एक माता ने पूछ लिया क्योंकि संपिंग में विमलनाथ स्वामी का निर्वाण हुआ भक्ति मार्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सबने फॉलो किया है कोई ने किस रूप से कोई ने किस रूप से जैनियों ने और सिखों ने जो फॉलो किया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैनियों ने फॉलो किया है 24 अवतारों के आधार पर हिंदुओं के 24 अवतार बताए गए तो जैनियों में भी 24 तीर्थंकर बताए दिए गए वो भगवान का स्वरूप है। उनमें एक तीर्थंकर का नाम विमल स्वामी दिया हुआ है जिनकी यादगार कंपिल में दिखाई गई है मूर्ति के रूप में। श्वेतांबर जैन मंदिर में भी है और दिगंबर जैन मंदिर में भी है। हैं तो दोनों ही एक जैसे कोई अभी कहे कि बाप दादा एक हैं या अलग अलग हैं एक पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी है पर्सनालिटी तो एक ही है लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग अलग हैं। जैसे अभी अद्वैतवाणी में बोला निराकारी पार्ट और फरिश्ताई पार्ट फरिश्ता बने ब्रह्मा बाबा और निराकारी स्टेज में बीज रूप रहने वाली आराम की आत्मा। तो जैसे ये दोनों आत्माएं मिलकर के एक ही पार्ट है उसको दो रूपों में दिखाई दिया गया है। दिलवाड़ा मंदिर में एक नीचे मंदिर है सफेद मूर्तियों का और एक ऊपर मंदिर है काली मूर्तियों का वहीं पर जो काली मूर्तियों का मंदिर है वो एडवांस पार्टी की यादगार है। नग्न मूर्तियां हैं सारी और जो श्वेतांबर मंदिर है
उसमें कपड़े पहने हुए बैठे हैं, सफेद मूर्तियां हैं। तो ऐसे ही बिमलनाथ स्वामी के दो प्रकार के मंदिर हैं, दिगंबर मंदिर और श्वेतांबर मंदिर। पर्सनालिटी के रूप में मूर्तियां दोनों जगह एक ही हैं, लेकिन एक जगह पार्ट बजाया है फेक और अंत में पार्ट बजाया है विनाशकारी काला पार्ट। और वहां खास ये दिखाया गया है कि उनका जन्म भी वहीं हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई, उन्होंने पुरुषार्थ भी वहीं किया, तपस्या भी वहीं की और उनका निर्वाण भी वहीं हुआ। कहाँ है? कंपिली नगर में। और तीर्थंकरों का ऐसा नहीं दिखाया है, उनका जन्म कहीं हुआ है तो शिक्षा दीक्षा कहीं हुई है तो तपस्या कहीं की है और मोक्ष कहीं हुआ, निर्वाण कहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे विभाजन कर दिया है। वास्तव में बाप दादा दिन बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी दोनों मिलाकर के 24 आत्माएं निकलती हैं। अब उनमें संस्कारों में भिन्नता तो होगी, तो अलग अलग भिन्नता को लेकर के उन्होंने वो 24 तीर्थंकर दिखाई दिए। बाकी बाबा का तो कहना है कि कोई 24 भगवान नहीं होते हैं, भगवान तो सिर्फ एक ही है, उसको आदि देव कह दो या महावीर कह दो, जो दिलवाड़ा मंदिर में मूर्ति रखी हुई है। बाकी कोई 10 अवतार नहीं है, 24 अवतार नहीं है, जैसा जैसा जिसने दिमाग चलाया वैसी वैसी उसने मूर्तियां बनाई, चित्र बनाए। बाबा कहते हैं माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार बनाए दिए। एक ही जन्म में कन्वर्ट हो, हिंदुओं में ऐसा हुआ है कि जो एक बार कन्वर्ट हो गया वो फिर कभी भी वापस हिंदू नहीं बना है। कन्वर्ट हो गया तो गया, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम होती गई। ऐसे नहीं एक जन्म में कन्वर्ट हो गया तो दूसरे जन्म में वापस आ जाएगा। हाँ, ऐसी आत्माएं जरूर हुई हैं बीज रूप, जो जन्म लेने के बाद दूसरे धर्म में जन्म लेने के बाद कन्वर्ट नहीं होती है। कोई धर्म में उनको जन्म मिल गया फिर कन्वर्ट नहीं होती है। हाँ, मोह के वशीभूत होकर के अगले जन्मों में जाकर के जिसके साथ मोह पैदा हो गया वहां जन्म ले सकती है, उसे कन्वर्शन नहीं कहा जाता है। कमरा कश्यप
उसके आगे जन्म में बौद्ध नहीं बनता है। हाँ उसी जन्म में, एक ही जन्म में, पहले पहले तो एक ही जन्म में कन्वर्ट होगा ना, बाद में उसी धर्म में जन्म लेता रहता है, लास्ट में जाकर के फिर नंबर लगेगा। जब भगवान आए तो हर धर्म से कन्वर्ट हुई भारतवासी आत्माओं को उठाता है और फिर देवता बनाता है। और बर्फ के पहाड़ में दो तरह के मनुष्य के मुद्दे होंगे। बर्फ के पहाड़ में दो तरह के मनुष्य के मुद्दे होंगे, दो तरह के मनुष्य के मुद्दे होंगे। हाँ, एक होगा जिन्होंने योग बल से सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई, उनके शरीर तो सड़ जाएंगे। वो कितने होंगे? होंगे जो योग बल से अपने शरीर सड़ते नहीं है। और एक मुट्ठी पर वो बच्चे होंगे जिन्होंने योग बल से प्राप्त कर ली मुट्ठी पर, माना वो कितने होंगे बर्फ के अंदर? जो बर्फ पड़ेगी और बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे, सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ जम जाएगी, ठंडी ही ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा। वो तो तब होगा जब 500 करोड़ की दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी होगी। वो तो हाय हाय करके खत्म होंगे। जो हाय हाय करके खत्म होंगे उनको वो बर्फ का नजारा नहीं मिलना है, उनके शरीर तो सड़ जा रहेंगे। मुट्ठी भर माने 500-700 करोड़ में से 4.5 लाख मुट्ठी भर नहीं हुए तो कितने हुए है? बाबा कभी कभी आते हैं तो दूसरे दूसरे मिनी मधुवनों में, दूसरे मिनी मधुवन के नजदीक रहने वाले स्टूडेंट्स को भी फोन करके बुलाना सही है या गलत है? नहीं समझा? हाल इंडिया में ढेर के ढेर मिनी मधुवन तैयार हो रहे हैं और निमंत्रण भी मिल रहे हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में हुआ, सेंटर खुलते गए तो जब बहुत बहुत सेंटर बढ़ने लगे तो ब्रह्मा कुमारियों में क्या झगड़ा होना शुरू हुआ? हमारे सेंटर पे आओ, उधर नहीं जाओ इधर आओ, इधर नहीं आओ तो उधर जाओ, उधर आओ, ये खेचातानी शुरू हो गई। तो ऐसी खेचातानी की एक पर्ची इधर भी आई है। दूर दूर से जिनको बुलाएंगे तो उन लोगों को तो बुलाना ठीक है, जिनका बाबा के एक दो बार आने से पेट नहीं भरता है। साल में एक दो बार बाबा मिल जाते हैं, 3-4 बार मिल जाते हैं तो बुद्धि तृप्त नहीं होती है, तो दूसरे मिनी वधुवन की इंचार्ज को फोन करके बताते हैं बाबा आए तो हमको भी बुला लेना। तो उनका तो बुलाना ठीक है, बाकी कोई कहते भी नहीं है और बुलाते हैं तो ये तो खींचतान हो गई। खींचतान करने की जरूरत है?
मुरली में कुछ बोला है इस संबंध में? बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा जो जहां जिसकी इच्छा होती हो वहां जाने दो, मेरे ही सेंटर पर आना है ये ठीक नहीं है, सब सेंटर बाबा के हैं। दिल्ली की कन्याएं माताओं को अंत तक सहयोग मिलता है, सहयोग लेने का अधिकार है। कैसे भी ऊंच नीच हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, भगवान बांधा हुआ है सहयोग देने के लिए। तो कौन है जो एडवांस के आदमी जिन्होंने सहयोग दिया? अरे एडवांस ज्ञान जब शुरू हुआ तो ऑल इंडिया में कोई भी सहयोगी नहीं था। ऑल इंडिया के शहरों में कोई भी सहयोगी नहीं मिला, कोई भी शहर में सहयोगी नहीं मिला। और कहाँ की कन्याओं माताओं भाइयों ने सहयोग दिया? दिल्ली वालों ने सहयोग दिया। तो जिन्होंने आज ही में सहयोग दिया है, जबकि सारी दुनिया में भगवान के पार्ट का सहयोगी कोई नहीं था, तो उस सहयोग की वैल्यू है या नहीं है? है, है। अब वो दिल्ली की कन्याएं माताएं भाई लोग कितने भी विरोधी हो जाएं, कितना भी नुकसान पहुंचाएं या कितनी भी ग्लानी करें, अगर फिर से ईश्वरीय कार्य में सहयोग लेने की इच्छा है तो भगवान की ओर से उन्हें सहयोग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फसल बोने का मौसम होता है, मौसम के शुरुआत में ही जो बीज डाला जाता है वो ज्यादा फलदायी होता है, और मौसम बीत जाने के बाद जो बीज डाला जाता है उसके रिटर्न में पैदाइश ज्यादा नहीं मिलती है। ये कुदरत का नियम है, वो ही भगवान का नियम है। जिन्होंने आज में सहयोग दिया वो अंत तक सहयोग लेने के अधिकारी हैं। बाहर की दुनिया में भी लागू होता है, कौन सा संदर्भ ऐसा है जहाँ ला अपने हाथ में लेना अच्छी बात है? बताओ। वहाँ का वातावरण दूषित हो रहा तो है, कहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है? जहाँ वो ला हाथ में कौन लेने का अधिकारी है? समझाने सब कोई अपने हाथ में ला लेने का अधिकारी है नहीं है? जो अधिकारी है उसी को अधिकार चलाने देना चाहिए, है? अरे ईश्वरीय लाज, कौन से लाज? एक है आसुरी लाज और एक है
ईश्वरीय लाज। तो ईश्वर के बच्चे यही नहीं जानते हैं कि ईश्वरीय लाज किसके हाथ में होना चाहिए, ईश्वर के हाथ में होना नहीं जानते हैं, तो ला अपने हाथ में उठाएंगे जरूर या सोचेंगे कि हम अपने हाथ में उठा लें। बनाया होगा ये अनुमान है या सच्चाई है? बनाया होगा ये अनुमान हुआ या सच्चाई हुई? ये तो अनुमान है, अनुमान से तो नुकसान हो जाएगा। बाबा मुरली का पॉइंट है, पुरुष का वाइब्रेशन बलवान होते हैं, पुरुष का वाइब्रेशन बलवान होते हैं। हाँ, वाइब्रेशन ही नहीं दस्ति कृति सब कुछ बलवान होता है, शरीर इंद्रियां पुरुष की बलवान होती है। इसीलिए पुरुष से बच्चा की पैदाइश और बाद में से स्त्री से बच्ची की पैदाइश होती है। पुरुष से बच्चा की पैदाइश और बाद में फिर स्त्री से बच्ची की पैदाइश होती है। मुरली में आए तो पुरुष के संस्कार के अनुसार जो बच्चा पैदा होता है पुरुष का ही वाइब्रेशन से बनता है, जो बच्ची बनती है स्त्री के वाइब्रेशन से बनती है। वो पॉइंट सुनाया ये लोग सुने में गलत तो बच्चा पैदा होता है नारायण के वाइब्रेशन से, बच्ची पैदा होती है लक्ष्मी के वाइब्रेशन से, ये बताएगा क्या? भाषा न बजाने की वजह से तो गड़बड़ होता ही है। बंदूक लेके खड़ा है, जब हमारे सामने बंदूक लेके खड़ा है हो सकता है वो हमको धमका रहा हो। अगर बंदूक लेके खड़ा है तो क्या जरूरी हमको मार ही देगा? हैं? ये भी तो हो सकता है, तो मारेगा नहीं सिर्फ हमको धमका रहा है, धमकी में सटकी करना चाहता है। तो ऐसे ना हो कि वो सिर्फ बंदूक दिखाता रहे और हम पिस्टल निकाल करके उसकी जान ले लें। उसने कोई छोड़ी बंदूक? हनुमान की क्या बात है, उसने बंदूक तो नहीं छोड़ी बाबा, छोड़ दिया। जब बंदूक छोड़ दिया तो हम पैंतरा बदलेंगे? जब आदमी तलवार छोड़ देता है तो पैंतरा बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है? अलर्ट रहो। हाँ तो अलर्ट रहो ना, जब देख लो कि बंदूक लेके खड़ा है तो अलर्ट हो जाओ, आंखें फाड़ लो। ये थोड़े ही तो उसने बंदूक दिखाई है हमने तो तुरंत उसकी जान ही ले ली। बड़े अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं आपके सोचो सोचो कौन सा भूत आ रहा है देर के देर भूत आने वाले हैं और कुछ ज्ञान ही नहीं रह गया लाने के लिए बुद्धि लेने का एक ही काम निर्णय लेने में गलती तब होती है जब तराजू में बैलेंस नहीं होता है, हवा से प्रभावित होता है तराजू। हवाएं चलती है ना दुनिया में, हवा बह रही है, बस हवा में बुद्धि बह गई
तो तराजू नीचे ऊपर होगा ही। इसलिए प्रैक्टिस सिखाई है बाबा ने, बीज रूप स्टेज में रहो, निराकारी स्टेज में रहो, निर्णय फौरन होगा और सही निर्णय होगा। बाहर की दुनिया में तो हम जानते हैं कि ला असुरों के हाथ में है, ब्राह्मणों की दुनिया में तो ला पक्का हमें निश्चय है कि धर्मराज बाप भगवान स्वयं आया हुआ है, धर्मराज को साथ लेकर के आया हुआ है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, तो ला हाथ में लेने की बात कहाँ से आ जाती। विश्वास नहीं है, अनिश्चय है, तो फिर ला अपने हाथ में लेंगे। वो आएगा तब आएगा। हमारा पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है उसका कारण मालूम है? मतलब नहीं, पहले पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है? अरे ये तो बताओ ना, पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है? ढीला तब होता है जब हम श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं, नहीं तो हमको 100 गुना सहयोग मिलता है भगवान से, ढीला होने का सवाल ही नहीं। जितना ज्यादा माया का प्रकोप हो उतना पुरुषार्थ भी हमारा तीव्र हो जाता है। ये महावीरों की निशानी बताइए। और माता कर्जा नहीं लेना है, कर्जा नहीं देना है, कर्जा नहीं लेना है, कर्जा ना देना है, न लेना है न देना है। अगर बाबा के बच्चे बीमार पड़े तो ऑपरेशन के लिए लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, इस स्थिति में बच्चे खर्चा दे सकते हैं क्या बाबा? और देने वाले दे सकते हैं क्या बाबा? इस बात पर कीमत क्या है? गरीब आदमी 2 पैसे का इलाज कर लेता है, ठीक होना होता है, हो जाता है। करोड़पति अरबपति है वो विदेशों में जाकर के इलाज करेगा, करोड़ों रुपया खर्च कर देगा, फिर भी नहीं बचेगा। अरे चेंज करना पड़ता है, क्यों पड़ता है जब ये सरकारी हॉस्पिटल सबके लिए खुले हुए हैं, गरीबों के लिए भी खुले हुए हैं और अमीरों के लिए भी खुले हुए हैं। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने चेंज करना वो जरूरी है कि हमारी एक आंख चली गई तो हम चेंज करवा ही लें? अरे घर वाले सहयोग देते हैं स्वेच्छा से, तो उनकी किडनी खींच के अपने में डलवा लो। कैंसर हो जाता है, हर साल उनका खून पूरा बदलना पड़ता है, अब क्या जबरदस्ती दूसरों का खून खींचना है क्या? ब्राह्मण परिवार में तो सब है ही गरीब, भावना भी बहुत है, तैयार हो जाएंगे खून देने के लिए, हर साल सबका खून खींचते रहेंगे हैं? हाँ
क्या होता है बाबा यंत्र रखते हैं। तो चार से तो रोज देखते हो तो भी जवाब नहीं मालूम पड़ता। यहाँ यज्ञ रचा जा रहा है कि नहीं रचा जा रहा है, तो यहाँ कुछ रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, वही तो बात है। मनुष्यों की लाश को जलाने के बाद उनकी हड्डियों और भस्म को पानी में क्यों डालते हैं? इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाकी हड्डियों और भस्म को नहीं डालते हैं पानी में, क्रिश्चियंस का नहीं डालते हैं, मुसलमानों का नहीं डालते हैं, किसका डालते हैं? हिंदुओं का। ये कहाँ की यादगार है? ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की यादगार है कि जो मरते हैं जीते जी देह अभिमान से, तो मरने के बाद उनकी भस्म भी उसका भी पता न चले कहाँ चली गई, इसलिए पानी में बहा देते हैं। नाम निशान खलास हो जाए तब नई दुनिया की स्थापना होती है, तब जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। तो कहावत पड़ती है, मर गया तो कहाँ गया? स्वर्ग में चला गया। बच्चे ज्ञान में चलते हैं और माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठा है तभी तो ज्ञान में चलते कहे जाएंगे है? ज्ञान अगर बुद्धि में बैठा ही नहीं है तो ज्ञान में चलते हैं? ज्ञान बुद्धि में बैठा है तो ज्ञान तो ये कहता है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। ज्ञान क्या कहता है? शरीर छूटा और आत्मा जाकर दूसरी जगह जन्म ले लेती है एक सेकंड में। ये शरीर सड़ेगा उस मुर्दे को तुरंत भस्म कर दो, बस और कुछ नहीं। तेल भी करना है, चौथा करना है, कढ़ी बनाना है, वो तो लौकिक संबंधी दबाव डालेंगे। क्यों माननी पड़ेगी? जिनको माननी पड़ेगी उनको उनके अंडर में चलना पड़ेगा, ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। अभी के किए हुए संस्कार अंत समय में उभरेंगे या नहीं उभरेंगे? लंबे समय का किया हुआ ज्ञान का पुरुषार्थ अंत में काम आवेगा। अभी से अगर लूज हो गए तो अंत में भी क्या रिजल्ट होगा? लूज हो जाएंगे। भगवान का
जो वर्षा पाना चाहिए वो वर्षा नहीं पा सकेंगे। स्पष्ट बोल दिया, भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जिनको शरीर छोड़ना पड़ेगा सूर्यवंशी नहीं बन सकते।